सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। तो मैं आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आपकी छठ और दीपावली अच्छी बीती होगी, तो अब आप पढ़ाई भी करना है, तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। वर्ड 2 की हिंदी है और पाठ 9 है। क्या है? टेसु मांगे चना चबेना। तो ये जो है टेसु क्या है, एक तरह से त्योहार है, और टेसु जो है वो बच्चे जो इसको बनाते हैं और क्या करते हैं, इसको लेकर के गांव में घूमते हैं और गीत गाते हैं कि टेसु मांगे चना चबेना, मांगे दूध मलाई जी। तो और ऐसे गा गा करके बच्चे जो है वो लकड़ी का टेसु बनाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बिहार में भी झिझिया खेला जाता है, उसी तरह से टेसु एक तरह से त्योहार है और उसको बच्चे जो है लेकर के घूमते हैं और टेसु के नाम पर सबके घरों में जाकर के पैसा अनाज दूध, मतलब कि कहते हैं कि टेसु खाएगा, और टेसु के नाम पर लेकर के उसको बच्चे जो है खुद ही खा लेते हैं। तो यही जो है एक त्योहार के ऊपर जो है ये कविता बनाई गई है जो बच्चों के लिए है। तो आप सब क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी किताब निकालेंगे और मैं जो पढ़ाऊंगी कविता उसको साथ साथ पढ़ेंगे भी और गाएंगे भी और आनंद लेंगे। तो पहले कविता पढ़ाने से पहले अब शब्दार्थ देख लेते हैं क्या है। चबेना चबाकर खाया जाने वाला भूना हुआ अन्न। घर पे भूजा हम लोग कहते हैं ना, भूजा खाते हैं मटर का चना का, तो वही हो गया मक्का का चबेना, यानी कि मटर चना धान मक्का आदि को भून करके जो खाने वाला होता है उसी को हम कहते हैं चबेना। सुहानी अच्छी लगने वाली दीप बाती है, दीपक की बत्ती गटकना खाना मिठू तोता। हम सब मिठू मिठू किसे बुलाते हैं, तो तोता के बुलाते हैं। तो अब हम ये जो त्योहार है कौन सा त्योहार है, टेसु, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। टेसु जो है उत्तर भारत में दशहरे के आसपास खेला जाने वाला एक उत्सव है जिसमें बच्चों की टोली खपच्ची यानी कि बांस के जो महीन महीन उसको कमची होता है उससे, वो खपच्चियों उसी को कहते कमची से, और उस पर मिट्टी लगा करके टेसु राजा बनाया जाता है, और उसको लेकर के बच्चे जो है वो घर घर में गीत गा करके जाते हैं और उससे क्या अनाज पैसे, बच्चे जो गीत गाते हैं और अनाज और पैसे लेते हैं, उसमें क्या करते हैं दीपक भी जला देते हैं। इस कविता में कवि ने टेसु के माध्यम से बाल मन को छूते हुए सीख दी कि बच्चे जो है वो स्वभाव से कैसे होते हैं, तो शरारती होते हैं और नासमझ भी होते हैं और वे सही सही और सच सच बात भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ झिझिया भी खेला जाता है, जो मिट्टी को घड़ा होता है उसको क्या उसमें छिद्र कर दिया जाता है, उसमें दीपक जला करके और माथे पर रख करके भी खेला जाता था, जिसको झिझिया बोलते हैं। और ये है टेसु, और टेसु के माध्यम से बच्चे जो है देखो गाना गाता है, और कौन सा गाना गाता है तो देखो यहाँ पे आप सब, ये आपकी किताब है और आप अपनी किताब को निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये बच्चे जो है टेसु राजा को बनाए हुए हैं और इसी को लेकर के क्या करते हैं गांव में घूमते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे भी आपके किताब में कुछ सीखने के लिए दिया गया है। देखिए क्या है, आपको कौन कौन सा मौसम अच्छा लगता है, तो सभी का अपना अपना पसंदीदा मौसम होता है। किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बरसात अच्छी लगती है, किसी को जाड़ा अच्छी लगती है। तो यह आपको खाने की कौन कौन से चीजें सबसे ज्यादा पसंद, सबका खाने का भी पसंद अलग अलग होता है। सूरज से हमें क्या मिलता है, तो सूरज से आपको क्या मिलता है, रोशनी गर्मी। तो चलिए अब हम कविता गाते हैं और आप सब भी अपने मेरे साथ कविता को गाएंगे। क्या है, टेसु मांगे चना चबेना, मांगे दूध मलाई जी, गर्मी मांगे हवा सुहानी ठंड, गर्मी सर्दी गरम रजाई जी। तो सर्दी का मौसम क्या मांगता है, इसमें कह रहा है कि टेसु जो है वो क्या मांग रहा है, चना मांग रहा है, कि क्यों, तो खाने के लिए। और क्या चीज मांग रहा है, दूध और मलाई भी मांग रहा है टेसु, दूध मलाई चना सब मांग रहा है। और गर्मी क्या मांगती है, हवा सुहानी, गर्मी में सबको क्या अच्छा लगता है, हवा।
और सर्दी में क्या अच्छा लगे, अभी आपको क्या, आपको ठंडी चल रही, क्या गर्म रजाई, तो सर्दी में हम लोग क्या करते हैं, गर्म रजाई ओढ़ते हैं और गर्मी में ठंडी हवा मांगते हैं। टेसु मांगे दीपक बत्ती, टेसु मांगे दीपक बाती, बांटे ढेर उजाला जी, सूरज बांटे ढेरों सोना, खोल धूप का ताला जी। क्या है टेसु जो है वो क्या मांग रहा है, दीपक और बत्ती, जो टेसु जो है दीपक बत्ती है, दीपक जलाने से क्या होता है, उजाला होता है, तो टेसु जो है वो उजाला फैलाने के लिए क्या मांग रहा है, तेल मांग रहा है, और दीपक और तेल को क्या करेंगे, दिया में डालेंगे, उससे उसको जलाएंगे तो क्या होगा, चारों तरफ उजाला फैलेगा। और सूरज जो है वो अपना सोना जैसा धूप जो है क्या करता है, वो सबको बांटता है। टेसु गाए गीत रसीले, करता हल्ला गुल्ला जी। टेसु जो है वो रसीला यानी कि बहुत ही सुंदर गीत गा करके, हल्ला गुल्ला करके क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। जाने क्या क्या गटक गया, अब मांगे रसगुल्ला जी। बच्चे जो है वो टेसु को, टेसु राजा को बनाए हैं और उसको ले लिए हैं और गांव में घूम घूम कर कह रहे हैं कि टेसु जो है वो, उसको भूख लगी है, वो रसगुल्ला वो क्या खाएगा, चना चबेना खाएगा, दूध मलाई खाएगा, दिया जलाएगा, और ये कह करके सबसे मांग रहा है। और अंत में क्या कह रहा है कि टेसु जो है वो जाने क्या क्या गटक गया, यानी क्या क्या खा गया, दूध मलाई खा गया, चना चबेना खा, अब उसका मन क्या खाने को है, तो रसगुल्ला खाने को है। तो कह रहा है बच्चे कह रहे हैं कि जाने क्या क्या गटक गया है, अब मांगे रसगुल्ला जी। मिठू मांगे हरी मिर्च, मिठू किसको कहते हैं, तोता को, तोता को क्या पसंद होता है, हरी मिर्च, तो मिठू मांगे हरी मिर्च, चिड़िया दाना पानी जी। बाबा जी से बिल्लू मांगे किस्से और कहानी जी। तो तोता जो है वो क्या, उसको क्या पसंद है, हरी मिर्च पसंद है, चिड़िया को दाना पानी पसंद है, और बिल्लू क्या है, बिल्लू के लड़का का नाम है, और वो क्या मांग रहा है, किस्से और कहानी, यानी कि बच्चे को क्या पसंद है, कहानियां पसंद है। तो बच्चा किसे कहानी मांगते हैं, सुनने को सुनाने को आते हैं, चिड़िया जो है दाना पानी मांगती है, और मिट्ठू क्या मांगता है, हरी मिर्च। तो बच्चे जो है वो क्या कर, घूम घूम करके टेसु के माध्यम से मिठाई मांगते हैं, चवेना मांगते हैं, तेल मांगते हैं दीपक जल बत्ती जलाने के लिए, और अपना वो आनंद उठाते हैं। तो ये आपका जो है ये कविता जो समाप्त हो रहा है, फिर मैं आपसे अगले वीडियोज मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।